पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसकी मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। दरअसल जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उस समय कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ पंजाब में इतना सब कुछ हो जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई ने कुछ इस तरह की कल्पना की होगी, जैसे वो राजस्थान में एक बिल्डर से रंगदारी जब मांग रहा था, जब उसे राजस्थान पुलिस दिल्ली के तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गई थी और उसी समय देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या भी हुई थी। तो उस दौरान ये अनुमान लगाया गया था कि जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद अब तमाम बड़े गैंगस्टरों को इधर से उधर जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को भी उस समय लॉरेंस बिश्नोई और उसके एक साथी जो कि संपत नेहरा है, उन दोनों को राजस्थान ले जाया गया था प्रोडक्शन वारंट पर और वहीं पर पूछताछ की गई थी। उसके बाद उसे वहीं अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद जब फिर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड फिर से चर्चा में आया तब लॉरेंस बिश्नोई को राजस्थान से वापस तिहाड़ लाया गया पूछताछ के लिए और फिर तिहाड़ से उसे पंजाब ले जाया गया। दरअसल जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी 29 मई 2022 को, तो लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगी गोल्डी बराड़ ने जिस तरह से इस हत्या की जिम्मेदारी ली, लॉरेंस बिश्नोई तो फिलहाल जेल में था उस समय भी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के पेज पर, फेसबुक पेज पर और गोल्डी बराड़ के फेसबुक पेज पर ये मैसेज लिखा गया कि इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता है और गोल्डी बराड़ गैंग लेता है। ये जो जिम्मेदारी लेने वाली प्रथा चली आ रही है गैंगस्टरों की, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है और लॉरेंस बिश्नोई के ही धुर विरोधी गैंगस्टर रहे देवेंद्र बम्बीहा गैंग के बदमाश भी जब लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के बदमाशों की हत्या करते हैं तो वो भी सोशल मीडिया पर इसी तरह से जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी का जो सिलसिला चल रहा है, जिम्मेदारी लेने का जो खेल चलता है, अब वो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है और लॉरेंस बिश्नोई के लिए तो शायद ये ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी नहीं सोचा होगा कि जब पंजाब पुलिस उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेके जाएगी तो पंजाब पुलिस उससे इस कदर पूछताछ करेगी कि उसकी तमाम जो बंद फाइलें थी, जितनी भी उसने पंजाब के अंदर वारदातें कर रखी हैं, वो सब एक एक करके खुलती हुई दिखाई देंगी। मतलब एक जिले की पुलिस अगर उसे लेकर गई है तो उसके साथ दो तीन जिले की पुलिस और पहले से वेटिंग लिस्ट में रहती हैं कि लॉरेंस बिश्नोई से कब, अगर अमृतसर पुलिस पूछताछ कर रही है तो कब अमृतसर पुलिस की पूछताछ खत्म होती है तो मैं उसे अपने कस्टडी में लेकर पूछताछ करूँ। लॉरेंस बिश्नोई ने इतने वारदात कर रखे हैं पंजाब के अंदर, कहा जाता है कि पिछले 12 सालों में लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब के अंदर कुल 16 वारदात कर रखे हैं और इन्हीं 16 या 17 वारदात कर रखे हैं और इन्हीं सभी वारदातों में अब लॉरेंस बिश्नोई से लगातार पूछताछ की जा रही है। अभी फिलहाल मोगा जिले की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को लेकर गई है और वहां पर किसी शराब व्यापारी के हत्या के मामले में उससे पूछताछ होनी है और साथ ही एक वहां के डिप्टी मेयर थे उनके भतीजे संदीप धामीजा को भी उसने गोली मारने की कोशिश की थी। मतलब लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में था, जेल के अंदर से उसने आदेश दिया था क्योंकि उस समय जो गैंगस्टर पकड़ा गया था मोनू डागर, उसने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के आदेश पर हम यहाँ पर पहुँचे थे और हमने इस धामीजा को गोली मारने की कोशिश की थी। हालाँकि धामीजा का बेटा भी उस वक्त उनके साथ मौजूद था तो काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती वहाँ पर हुई थी और एक गैंगस्टर, एक शूटर तो वहाँ से भाग गया था लेकिन दूसरा शूटर मोनू डागर पकड़ा गया था और उसने लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिया था। तो जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई से अब पूछताछ की जा रही है उसे देखकर तो अब नहीं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई की राहें अब आसान होने वाली हैं और लॉरेंस बिश्नोई कभी वापस तिहाड़ भी पहुँच पाएगा। और इस पूरे मामले को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी गैंगस्टरों के इस रवैये को देखते हुए बहुत एक्टिव हो चुकी है और केंद्र सरकार ने अब साफ तौर से ये निर्देश जारी किया है कि इन गैंगस्टरों को रोकने के लिए या फिर इन पर कार्रवाई करने के लिए कुछ, जैसे आतंकवादियों के साथ जो रुख अख्तियार किया जाता है वैसा ही ठीक कुछ अगर इन लोगों के साथ किया जाता है तो शायद इनके सुधरने की संभावना ज़्यादा हो। फिलहाल अभी देखना अहम होगा, खास तौर से लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के, लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस कब तक पूछताछ करती है और पंजाब की मोगा पुलिस जब लॉरेंस बिश्नोई को वापस ट्रांजिट रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में लेकर जाएगी और वहां पर जब फिर से सुनवाई होगी तो क्या मोगा पुलिस वापस से पूछताछ करेगी या फिर किसी और ज़िले की पुलिस लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ करने के लिए लेकर जाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिस ज़िले का रहने वाला है फाजिल्का के अंदर उसने करीब 6 वारदात कर रखा जबकि अमृतसर में एक और फरीदकोट में भी एक
और इसी तरह से कई जिलों में, मोगा जिलों में भी उसने 6 वारदात कर रखे हैं। तो ये लॉरेंस बिश्नोई कई राज्यों, कई जिलों में बड़े बड़े कांड कर रखे हैं उसने। और पंजाब पुलिस दरअसल बहुत दिनों से लॉरेंस बिश्नोई को प्रोडक्शन वारंट पर लाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई हर बार याचिका लगा के यही कहता था कि पंजाब पुलिस अगर मुझे ले जाएगी तो पंजाब पुलिस रास्ते में मेरा एनकाउंटर कर देगी। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला केस में जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस को सौंपने के लिए कहा था, तो लॉरेंस बिश्नोई ने एक याचिका लगाई थी और उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई ने यही कहा था कि अगर पंजाब पुलिस मुझे ले जाती है तो रास्ते में मेरा एनकाउंटर कर देगी। हालांकि इस दौरान पूरा मीडिया कवरेज भी देखने को मिला था और ऐसा कुछ हुआ नहीं जैसा लॉरेंस बिश्नोई ने कल्पना किया था। हालांकि उसने तो कहा था कि जिस तरह से यूपी के कानपुर के विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था ठीक उसी तरह से मेरा एनकाउंटर होगा, लेकिन पंजाब पुलिस उसे सुरक्षित ले गई और सुरक्षित अब वहाँ पर कोर्ट में भी पेश कर रही है। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जिस तरह से अब इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से इस कोर्ट के झमेले में फंसा है, अब लॉरेंस बिश्नोई का बच पाना वाकई में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।